तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम किलोग्राम के क्वेश्चन लिए हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको किलोग्राम का छोटा यूनिट ग्राम का हिसाब करना और साथ ही साथ पैसों का हिसाब करना सिखाया जाएगा। और यह जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि किलोग्राम और ग्राम का यूज हमारी लाइफ में हमेशा होता है। जब भी हम मार्केट जाते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं या राशन का कोई भी सामान खरीदते हैं या कोई सब्जी खरीदते हैं तो वह जो है ना हमको किलोग्राम या फिर ग्राम में वजन करके दिया जाता है, क्योंकि वजन का यूनिट है किलोग्राम। तो उसी किलोग्राम और ग्राम का हिसाब करना सीखेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 kg, केस होता है किलो, जिस होता है ग्राम, जिसको शॉर्ट में केजी लिखा जाता है और फुल नेम है किलोग्राम। तो 3 kg का मूल्य दिया गया है 57 रुपये। कोई भी वस्तु है अगर 3 kg ले रहा है ना तो हमको 57 रुपये देना पड़ रहा है, और वहीं पर वही वस्तु उसी दुकान से उसी रेट से सिर्फ 200 ग्राम लें तो कितना रुपये देना पड़ेगा वही हमको निकालना है। यानी यहाँ पर आपका वाट का चिन्ह दिया गया है, 200 ग्राम का मूल्य क्या होगा ना, यही मूल्य हमको पता करना है। तो देखिए जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सबसे पहले जो दिया रहता है ना उसी को सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है 3 kg का मूल्य जो है 57 रुपये दिया गया है। तो जो भी सबसे पहले दिया है उसी को सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 kg, क्या लिखेंगे 3 kg, इसका मूल्य दिया गया है 57 रुपये। ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, हमको निकालना है 200 ग्राम का मूल्य। तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर है 3 kg, यानी केजी में दिया और यहाँ पर ग्राम में निकालना है। तो सबसे पहला काम कि आपको यहाँ से 3 kg है ना, तो आपको 1 kg का मूल्य ज्ञात करना होगा। अगर आप यहाँ से 1 kg का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं ना, तब हम उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे ना, तब जाकर आपका ग्राम का हिसाब हो पाएगा। तो देखिए यहाँ से 1 kg का मूल्य निकालना काफ़ी आसान है। देखिए जहाँ पर 3 kg है ना वहाँ पर डायरेक्ट आपको 1 kg कर देना है, यानी आप 1 kg कर देंगे। और देखिए बराबर के राइट में यहाँ पर पहले से 57 रुपये है तो 57 रुपये लिखेंगे। अब देखिए मैंने 3 की जगह पर 1 कर दिया है, तो ये जो 3 है ना बराबर के लेफ्ट साइड में है, और 3 और केजी के बीच में यहाँ पर कोई भी चिन्ह है तो गुना छिपा है। और जब कोई भी संख्या बराबर के लेफ्ट साइड में रहता है, गुना में रहता है ना, तो उस संख्या को बराबर के राइट में लाएंगे तो भागा में यानी 57 के बाटा में यहाँ पर लग जाएगा। अब देखिए 3 से काटेंगे 57 को, तो देखिए 3 × 3 होता है, यानी यहाँ पर 5 है तो इसमें से 2 बचेगा, तो उस 2 को इस 7 के पहले लगेंगे तो ये हो जाएगा 27, और 3 के पहाड़े में 27 जो है ना 3 × 9 = 27 यानी 9 बार में है। अब देखिए 1 kg का मूल्य जो है हमारा निकल गया 19 रुपये, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 19 और रुपये का सिंबल लगा देंगे। अब जब 1 kg का मूल्य निकल गया तो आपको पता होगा कि 1 kg जो है ना यह 1000 ग्राम के बराबर होता है, यानी मैंने केजी को जी में कन्वर्ट कर दिया, यानी 1 kg के बराबर 1000 ग्राम होता है। तो जब 1 kg का मूल्य 19 रुपया है तो 1000 ग्राम का भी मूल्य 19 रुपये ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने केजी को जी में कन्वर्ट किया है, ना कि रुपये को पैसा में, यानी ये जो है आपका 19 रुपये ही होगा। अब देखिए हमको निकालना है 200 ग्राम का मूल्य, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले 100 ग्राम का मूल्य पता करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमको 100 ग्राम का मूल्य निकालना है, लेकिन यहाँ पर 1000, यानी यहाँ पर 1 0 बेसी है, यहाँ पर 100 ग्राम का मूल्य निकालना है। तो देखिए बराबर में जब संख्याएँ रहता है ना तो वो कटता है, चूँकि बराबर मतलब होता है बट्टा, और बट्टा में संख्याएँ कटता है तो बराबर में भी कटेगा। यानी बराबर के लेफ्ट साइड में ये वाला 1 0 काटेंगे, और इसका इफेक्ट बराबर के राइट में क्या पड़ेगा कि जो भी नंबर है ना इसमें दाहिनी तरफ से 1 अंक छोड़ के यहाँ पर 0.5 लगाएंगे, चूँकि 1 0 को मैंने लेफ्ट में काटा है तो राइट में 1 अंक छोड़ के 0.5 लगाएंगे। अगर 2 0 काटेंगे तो 1 2 अंक छोड़कर हम यहाँ पर 0.5 लगाएंगे, समझ रहे हैं ना, यह नियम होता है। अब देखिए हमारा 100 ग्राम का जो मूल्य है निकल गया 1.9 रुपये निकल गया। हमको निकालना है कितना, 200 ग्राम का मूल्य, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ दो से इन दोनों तरफ यानी बराबर के लेफ्ट साइड और बराबर के राइट साइड गुना कर देंगे और हमारा 200 ग्राम का मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पर है 100, तो 100 में गुना कर देंगे 2 से, और इसमें भी आपको 2 से गुना कर देना है। तो जब 2 का गुना करेंगे 100 में तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 200 ग्राम। और देखिए 2 का गुना करना है 1.9 में, तो देखिए
नौ दुना होता है 18 का 8 हासिल 1, और एक दुना 2 और एक हासिल 3, और दशमलव है एक अंक के बाद, तो यहाँ भी एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यानी 200 ग्राम का मूल्य 3.8 रुपये हो जाएगा। और इसी तरीका से किलोग्राम का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है और ग्राम का हिसाब किया जाता है, और इसी तरीका से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 200 ग्राम का जो मूल्य है हमारा पॉइंट के जो लेफ्ट में होता है ना रुपये होता है, और पॉइंट के राइट में जो नंबर होता है ये पैसा होता है, यानी 3.08 रुपये या 3 रुपये, इसको 80 पैसा भी मान सकते हैं। 200 ग्राम का मूल्य 3.80 रुपये। और इसी तरीका से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी जो भी मैथ की तैयारी है हमेशा चलती रहे।